अब हम पढ़ेंगे कारक का तीसरा भेद, करण कारक। कर्ण नहीं है ये शब्द, शब्द क्या है? करण। करण, करण कारक। तो देखिए करण कारक, कार के चिन्ह क्या है इसका? से, से। करण का अर्थ है साधन, इंस्ट्रूमेंट, साधन, मीडियम, जिसके माध्यम से, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में कही जाती है। फिर से समझो, क्रिया जिस साधन के द्वारा होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह, इसका परसर्ग, इसका कार्य, कारकीय चिन्ह से है, से, ठीक है, से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। उदाहरण देखेंगे, बच्चे ने बोतल से दूध पिया। जो बच्चा है, जो कर्ता है, उसने किसके माध्यम से, उसने किस साधन का प्रयोग करते हुए दूध पिया? बोतल से, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया उसने दूध पीने के लिए? बोतल। तो बोतल से, से क्या हो गया? बोतल से पूरा क्या बनेगा? करण कारक। मुझे फोन से सूचित करना, किसके द्वारा? फोन, फोन से। तो फोन से क्या है? करण कारक। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, डंडे से क्या बनेगा? करण। इंस्ट्रूमेंट, एक एक किसी भी जो निर्जीव वस्तु है, एक कोई भी मीडियम है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर आपको करण कारक। लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाया, लड़कियों ने पेंसिल से, तो पेंसिल से क्या है? करण कारक। अन्य उदाहरण देखिए, गुरुजी गाड़ी से आए हैं। उन्होंने कौन सा यूज प्रयोग किया है? गाड़ी का प्रयोग किया, तो गाड़ी से करण कारक। मैंने रस्सी को चाकू से काटा, रस्सी को किससे काटा है? किस इंस्ट्रूमेंट से? चाकू से। तो चाकू से क्या बनेगा? करण कारक। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरणों द्वारा सीखा कि करण कारक में मुख्यतः आपको क्या माध्यम, किस साधन, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, इस पर विशेष ध्यान देना है, और उसके साथ आपको साधन सूचक यानी से परसर्ग लगा हुआ दिखाई देगा। अब देखिए सारणी से सीखें, करण, करण में दो चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं, से और के द्वारा। हम ऐसे भी कह सकते हैं पुलिस ने चोर को डंडे के द्वारा पीटा, लेकिन के द्वारा का प्रयोग सामान्य भाषा में हम प्रयोग बहुत कम करते हैं, इसलिए हम से को ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, उसी को ही हम करण कारक में सीखेंगे। तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे, कितने सामान्य भाषा में यहाँ सारणी बताया गया है कि करण कारक के अंतर्गत से चिन्ह आता है, और उसका अर्थ क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा साधन जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। बोतल से, झाड़ू से, डंडे से, गाड़ी से, चाकू से, तो ये सब क्या है? साधन है, कर्ता उनके द्वारा काम कर रहा है या कहीं आ जा रहा है, तो वो क्या होंगे? करण कारक। तो बहुत ध्यान रखना इसका। अब दूसरी सारणी में देखो, करण के अंतर्गत क्या आ रहा है? जिसकी सहायता से काम हो। प्रश्न क्या होगा? किस से, जैसे कि मैं आपको करके भी बता रही थी, किस से पीटा? डंडे से। राम ने चम्मच से सूप पिया, तो यहाँ भी माध्यम क्या है? चम्मच से।